डियर स्टूडेंट्स अस्सलाम वालेकुम। रिसेंटली मैंने आपसे क्वेश्चन किया था सेल्स टैक्स का, वो क्वेश्चन ये था कि व्हाई इनपुट टैक्स इज अपोर्शन अमंग सप्लाईज एट द रेट ऑफ 17%, सप्लाईज एट द रेट ऑफ 0% एंड एग्जाम्ड सप्लाईज। अच्छा जी, क्यों होता है? सबसे पहले हम ये जानते हैं कि इनपुट टैक्स क्या होता है। तो बेसिकली इनपुट टैक्स क्या होता है, इनपुट टैक्स की एक स्पेसिफिक डेफिनेशन है आपके इनकम सेल्स टैक्स एक्ट 1990 में। और अगर मैं इसको वैसे सम अप करूं तो बेसिकली इनपुट टैक्स आपका वो सेल्स टैक्स और एफईडी है जो आपने अपने इनपुट्स यानी परचेजेस के ऊपर पे किया। अच्छा, अब आप इसे अपोर्शन क्यों करते हैं? क्योंकि लॉ ये कहता है कि जो सप्लाईज एट द रेट ऑफ 17% है, इसका इनपुट आप क्लेम करेंगे या एडजस्ट करेंगे अगेंस्ट आउटपुट टैक्स, तो ये एडजस्ट हो जाता है, इसलिए इसको अलग करते हैं। सप्लाईज एट द रेट ऑफ 0%, इसका तो कोई आउटपुट टैक्स नहीं होता क्योंकि आपने 0% पे बेची होती हैं सप्लाईज, तो आउटपुट कुछ नहीं होता, तो आउटपुट से तो क्लेम नहीं कर सकते, तो गवर्नमेंट इसका आपको रिफंड दे देती है। तीसरे नंबर के ऊपर अगर एग्जाम्ड सप्लाईज की बात करें तो एग्जाम्ड सप्लाईज भी वो सप्लाईज होती हैं जिसके ऊपर आप आउटपुट टैक्स चार्ज नहीं करते, बल्कि कोई भी सेल्स टैक्स आप चार्ज नहीं कर रहे होते, तो इसका भी आउटपुट ज़ीरो होता है। हाँ, लेकिन ये इसका इनपुट टैक्स इनएडमिसिबल होता है, इसका इनपुट आपको अलाउड नहीं होता, यानी वो सप्लाईज वो सेल्स आपकी जो आपने चीज़ें बेची हैं 17% सेल्स टैक्स लगा के, उनसे रिलेटेड इनपुट जो है वो आप क्लेम कर लेते हैं, एडजस्ट कर लेते हैं उनका इनपुट। दूसरे नंबर के ऊपर जो सप्लाईज आपने 0% पे किया, आउटपुट तो ज़ीरो आएगा आंसर, और इनपुट उसका ज़ाहरी बात है होगा तो वो रिफंड हो जाएगा। एग्जाम सप्लाईज के ऊपर आपने आउटपुट टैक्स तो चार्ज ही नहीं किया, तो आउटपुट टैक्स ज़ीरो होगा और इनपुट टैक्स होगा लेकिन इनएडमिसिबल होगा, मिल नहीं सकता, आप क्लेम नहीं कर सकते। अच्छा, अब यहाँ पे ये है कि इसको अपोर्शन कैसे करते हैं, एक बड़ी इंपॉर्टेंट टेक्निक आपको बताने जा रहा हूँ। तो आप बेसिकली सबसे पहले क्या करते हैं, वैल्यू ऑफ सप्लाईज लिखते हैं। अच्छा, ये जो वैल्यू ऑफ सप्लाईज हैं ये आपने नेट लिखनी होती है, यानी इसमें से रिटर्न्स माइनस करने के बाद ये आपकी रुपीज़ में होंगी। अच्छा, किस तरह लिखेंगे? इसी तरह सप्लाईज जो होंगी आपकी, सप्लाईज 17% वाली, उसके बाद आपकी सप्लाईज 0% और एग्जाम्ड सप्लाईज, और नीचे आपकी आ रही होंगी टोटल सप्लाईज। ये न्यूमेरिकल पॉइंट ऑफ व्यू के साथ मैं आपके साथ डिस्कस कर रहा हूँ। तो आप बेसिकली क्या करेंगे, यहाँ पे इसकी फिगर आ जाएगी, यहाँ पे इसकी फिगर, यहाँ पे इसकी फिगर, और यहाँ पे इसका टोटल आ रहा होगा। अज्यूम करते हैं ये टोटल आपका आ गया 1000, ये आपकी सप्लाईज थी फॉर एग्जाम्पल 800 की, ये आपकी थी 150 की और ये 50 की। तो बेसिकली आप क्या करेंगे, इनकी परसेंटेज निकाल लेंगे। अब अगर देखा जाए तो ये 80% होगा, ये 15%, ये 5% और ये 100%। अब इन आपने जो टोटल इनपुट पे किया हुआ है, जितना भी यहाँ पे आप इनपुट लेंगे, इनपुट टैक्स जो आपने अपनी परचेजेस पे दिया हुआ है, इसको इसी रेशियो में आप स्प्लिट कर देते हैं। किस रेशियो में? 80% इसको चार्ज कर देंगे, इसको एट्रीब्यूट कर देंगे, 15% इसको एट्रीब्यूट कर देंगे और 5% इसको कर देंगे। कैसे करेंगे? फॉर एग्जांपल आपका इनपुट टैक्स था टोटल 500 रुपीज़ जो आपने अपनी परचेजेस पे किया, इसमें 80% जो है यानी 400 वो आप इसको एट्रीब्यूट कर देंगे। उसके बाद जो है यहाँ पे अगर आप इसका 15% लें तो इसका बनेगा आपका 75, और इसका अगर आप लें तो इसका बनेगा 25, तो ये 500 इस तरह से अपोर्शन कर देंगे। अच्छा, इसको क्या करेंगे, इन दोनों को आप क्लेम नहीं कर सकते, ये होते हैं नॉट क्लेमेबल या नॉट एडजस्टेबल, ये एडजस्ट भी नहीं हो सकते। अच्छा, क्या होंगे, इसका आप ले लेंगे रिफंड, और इस ये आपका होता है इनएडमिसिबल, ये आप क्लेम ही नहीं कर सकते। अच्छा, अब ये वाला जो 400 है इसका क्या करेंगे, इसको अगेन अपोर्शन करेंगे बिटवीन फिक्स एसेट्स एंड अदर देन फिक्स एसेट्स। अच्छा, ये क्यों अपोर्शन करेंगे,
इसलिए कि फिक्स एसेट्स के ऊपर 90% की लिमिट नहीं लगती, जबकि अदर देन फिक्स एसेट्स के ऊपर एक लिमिट लगती है, वो आपको मैक्सिमम अलाउड होता है अप टू मैक्सिमम ऑफ 90% ऑफ आउटपुट टैक्स, यानी दिस अमाउंट प्लस सॉरी दिस अमाउंट, अच्छा इस अमाउंट में जो इस दफ़ा का इनपुट है इसमें आप ऐड करते हैं ब्रॉड फॉरवर्ड इनपुट टैक्स, पिछले महीने का जो कैरी फॉरवर्ड हो रहा होता है वो ऐड करते हैं, उसके बाद इस टोटल को कंपेयर करते हैं 90% ऑफ आउटपुट टैक्स जो लोअर होता है वो क्लेम कर लेते हैं। अगर मैं इसको समराइज करूं तो बेसिकली हम इनपुट टैक्स को अपोर्शन इसलिए करते हैं क्योंकि आप तीन तरह की अगर सप्लाईज कर रहे हैं 17%, 0% और एग्जैम्प्ट, तो बेसिकली इसका क्लेमेबल और एडजस्टेबल होता है, इसका रिफंड होता है, इसका इनएडमिसिबल, तो बेसिकली तीनों की करेक्टरिस्टिक्स फ़र्क है। उसके बाद अपोर्शन कैसे करेंगे, जो आपने सेल्स या सप्लाईज की हैं उसका रेशियो या उसकी परसेंटेज लेके इनपुट को उसके ऊपर अपोर्शन कर देंगे, ये दोनों आपके क्लेम ही नहीं हो सकते, ये क्लेम होगा आउटपुट के अगेंस्ट, फिक्स एसेट्स वाला सारा हो जाएगा जो इससे रिलेटेड है 17%, ये भी एट्रीब्यूट हुआ है, देखें यहाँ पे 500 नहीं आ रहा 400 आ रहा है, तो फिक्स एसेट्स वाला वो, और उसके अलावा अदर देन फिक्स एसेट्स ब्रॉड फॉरवर्ड में ऐड होगा दिस एग्रीगेट और 90% ऑफ आउटपुट टैक्स, इनमें से जो लोअर होगा वो इस दफ़ा क्लेम हो जाएगा। अगर इसमें फिर कुछ एक्सेस बच जाता है यानी 90% ऑफ आउटपुट टैक्स वाली लिमिट लग जाती है तो जो एक्सेस है वो कैरी फॉरवर्ड हो जाएगा। दैट्स ऑल अबाउट द इनपुट टैक्स, आई होप यू विल लर्न फ्रॉम दिस वीडियो, कीप इन टच, थैंक यू।